हेलो एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो लेट एस स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का आपका आखिरी लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ लेटीमर डायग्राम जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज लेटिमर लेटीमर डायग्राम्स ठीक है ये हमारा इस टॉपिक का इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस पूरे चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा ये लेटिमर डायग्राम्स लेटिमर डायग्राम्स जो है इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर हम स्टेबिलिटी पढ़ेंगे वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स की दैट इज़ इसके अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्टेबिलिटी ठीक है इन दिस चैप्टर वी आर इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स ठीक है वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो जो आपके सिलेबस में है मैंगनीज़ uh, है आयरन है एंड वन इज़ कॉपर ठीक है ये तीन आपके पास मेटल्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हमने स्टडी करना है तो लेटिमोर डायग्राम पहली चीज़ तो जो आपका टॉपिक होता है ना वो आधा ही तो वही जस्टिफाई कर देता है कि वो है क्या ठीक है तो एज अ नाम ही बता रहा है डायग्राम्स है ठीक है लेटीमोर डायग्राम मतलब आपके पास डायग्राम्स होंगे ठीक है तो हमने पहले भी कहा था कि जो स्टेबिलिटी होगी हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ के ऊपर भी हम कंपेयर कर सकते हैं वहाँ से भी हम बता सकते हैं जो आपकी स्टेबिलिटीज़ रहेंगी इसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट मैथड्स हैं ठीक है, है? इनमें हमारे पास डिफरेंट हमारे पास डायग्राम्स होते हैं लाइक लेटिमर फ्रोस्ट एंड पॉरबैक्स डायग्राम्स इनमें आपके सिलेबस में जो हैं दैट इज़ लेटीमर डायग्राम्स ठीक है तो लैटिमर डायग्राम आपके पास एक सिंपलेस्ट मेथड है ठीक है जिसके अंदर हम क्या करेंगे आपके पास तो रिडक्शन पोटेंशियल होंगे हाफ रिएक्शन के विच कॉरिस्पॉन्ड टू तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं किसी भी एलिमेंट के उनको हम एक डायग्रामेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट करने आ, करेंगे ठीक है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई एक एलिमेंट है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है तो बेटर वे ये है कि हम सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एक डायग्रामेटिकली पैटर्न uh, में वहाँ पे लिखें और वहाँ पे हम उनको uh, जो भी आपके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनको हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करें और उनके कोरिस्पोंडिंग जो भी आपके हाफ रिडक्शन पोटेंशियल जो भी आप रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ होंगी अकॉर्डिंग टू देयर वेरियस हाफ रिएक्शन उनको हम uh, उस डायग्रामेटिक diagram, फॉर्म uh, के अंदर वहाँ पर रिप्रेजेंट करें ठीक है तो इसी को ही हम लेटेमार डायग्राम्स बोलते हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे डिफरेंट जो ऑक्फिडिशन स्टेट्स होंगी उनको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रखेंगे और वहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ होंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाफ रिएक्शन वो हम लिखेंगे ठीक है तो लेटीमार डायग्राम हमारे पास है क्या सिंपली हमारे पास ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है दिस इज सिंपली अ डायग्रामेटिक ठीक है दिस इज़ अ सिंपली अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास किस चीज़ की ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखेंगे हम दैट इज रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ द रिडॉक्स पोटेंशियल ठीक है जो वैल्यूज होंगे हमारी उनको लिखेंगे हम जो भी हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल डेटा होगा उसको लिखेंगे हम ठीक है होगा किसके लिए वो फॉर द हाफ रिएक्शन ठीक है फॉर द हाफ रिएक्शन तो उनके लिए जो भी आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आएंगे उनको हम लिखेंगे विच कॉरेस्पॉन्डिंग टू ठीक है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट की जो भी आपके पास ये वैल्यूज हैं उनको शो कौन करने जा रहा है ठीक है कौन से कंपाउंड जो है वो शो करेंगे ठीक है किसके सेम एलिमेंट के ऑफ एन एलिमेंट ठीक है इन इट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हम लेटिमा डायग्राम्स के अंदर हम क्या स्टडी करने जाएंगे हम यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे जिसमें हम एक ही एलिमेंट की जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे उनके जो कंपाउंड होंगे उनको हम लिखेंगे और उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो भी हमारे हाफ रिएक्शंस जो भी हमारी होंगी उनके अगर रोक स्पोडेंशियल डाटा होगा वो हम इस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो लेटिमा डायग्राम के अंदर हम यूजली करते क्या है तो पहली चीज़ तो हमारे इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो भी हाइस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ठीक है जो भी आपकी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी जो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे ठीक है इट इज़ ऑलवेज रिटन एट द लेफ्ट ठीक है और जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी हमारी उनको हमेशा राइट right में लिखेंगे ठीक है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं दे आर ऑलवेज रिटन एज आर्ट आर राइट ठीक है एक डायग्राम बनाएंगे हम वहाँ पर लेफ्ट साइड में हम हाइएस्ट लिखेंगे और राइट right साइड में हम आपकी लोएस्ट लिखेंगे ठीक है और जैसे हमारी कुछ स्पीसीज होती हैं लाइक like, uh, uh, जैसे एसिडिक मीडियम चाहिए होता है हाइड्रोजन डालते हैं या वाटर निकलता है हमारे पास तो इस तरह की स्पीशीज़ को हम ओमिट कर देंगे ठीक है इनको लिखने की जरूरत नहीं है इस डायग्राम के अंदर ठीक है हमने सिर्फ और सिर्फ जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं उन्हीं को लिखना है ठीक है उनमें भी हम हाईएस्ट जो होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट उनको हम लेफ्ट में लिखेंगे और राइट right में आपकी लोएस्ट लिखेंगे ठीक है तो जो भी आपके पास हाइड्रोजन आयन चाहिए या वाटर चाहिए हमारे पास या वाटर निकलता है तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है आपको अब सेकेंड थिंग ये आती है कि हमने साथ में क्या क्या बोला कि हमें चाहिए रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा ठीक है हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। तो जो भी आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होंगे ठीक है जो भी आपके स्टैंडर्ड पोटेंशियल होंगे ठीक है जो भी आपके स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स हैं ठीक है इन वोल्ट्स, ठीक है उनको हम एक हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे ऐसे उसके ऊपर रख देंगे ठीक है तो जो हमारे पास दो मान लो दो जैसे दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं मान लो वन इज़ दिस वन सेकेंड इज दिस वन तो वन से जब हम सेकंड में जाएंगे ठीक है तो जो भी हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जो भी निकलता है हमारा उस रिएक्शन का उसको हम यहाँ पे इस ऑरिजेंटल लाइन के ऊपर रख देंगे ठीक है सो लेट अस ड्रॉ रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम पहले हम ड्रॉ करते हैं द सिंपलेस्ट केस जो है आपका दैट इज uh, uh, आपके पास वेरी फर्स्ट केस हम लेते हैं आयरन का ठीक है सबसे पहले लेते हैं आयरन का ठीक है सबसे सिंपलेस्ट जो है आपका दैट इज कॉपर लेकिन uh, कॉपर करवाने से पहले लेकिन आपको एक दो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए तो पहले आयरन करते हैं फिर वहाँ से हम वन बाय वन डिटेल में चलते हैं सभी को लेके तो अब आप सभी को पता ही है आयरन जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जिसमें हमारे पास आयरन जो होता है प्लस टू में होता है ठीक है देन वी हैव आयरन इन प्लस थ्री इसके अलावा हमारे पास आयरन जो होता है वो आपका प्लस सिक्स में भी होता है ठीक है प्लस सिक्स आपका एग्जाम्पल है एफ वी ओ फोर टू नेगेटिव फैर एट ठीक है तो ये हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं इसके अलावा आयरन आपका न्यूट्रल तो है ही है दैट इज़ इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ठीक है तो हमने इन सभी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है ठीक है तो हम पहले तो हम क्या करेंगे हमें पता होना चाहिए हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट हाफ़ रिएक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं इस रिएक्शन में तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास हाफ रिएक्शंस कौन कौन सी हो रही हैं तो पहली रिएक्शन है आपके पास आयरन टू ठीक है आयरन टू अगर इसकी रिडक्शन होती है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू द आयरन ठीक है तब आपको सभी को इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी पता होना चाहिए तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है हमारे पास इस रिएक्शन का आ, दिस इज जीरो पॉइंट फोर सेवन वोल्ड ठीक है समवेयर आपके पास जीरो पॉइंट फोर फोर वोल्ड भी दिया हो सकता है ये थर्ड सेकेंड जो हमारे पास है दैट इज़ आयरन थ्री ठीक है आयरन थ्री जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू द आयरन ठीक है और इसके जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल चेंज होता है दिस इज माइनस जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव सेवन वोल्ट ठीक है अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज आयरन थ्री जो है इट ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड इन टू द आयरन टू ठीक है फेरिक आयन जो है वो फेरस आइन में भी, भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसके लिए जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है दिस इज पॉजिटिव प्लस में होता है जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट ठीक है और साथ में हमारे जो फाइनल रिएक्शन है दैट इज़ फेर फेरेट आयन एफ ई फोर एफ ई ओ फोर टू नेगेटिव ठीक है फेरेट आयन जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू दी किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं ये आपके पास इन द आयरन थ्री ठीक है तो इस रिएक्शन में हमारे पास आयरन प्लस सिक्स में है ठीक है यहाँ आयरन आपका प्लस सिक्स है तीन इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे हमारे पास ठीक है ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास चार वाटर निकलेंगे ठीक है तो चार वाटर दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे आठ हाइड्रोजन आयन चाहिए ठीक है तो हमारा जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है इस रिएक्शन के लिए दिस इज़ 2.2 वोल्ट ठीक है तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं आयरन को लेके कि हमारे पास ये ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी और हमारे पास इतने स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो इनका रहेगा तब हम लेटिमा डायग्राम अब ड्रॉ करेंगे इन सभी के लिए तो लैटिमा का डायग्राम जो है इसके अंदर हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा सबसे पहले हम क्या करेंगे हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है फेरेट ठीक है एफ ई ओ फोर टू नेगेटिव इसमें आपकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज कौन सी वाली है ये ये है आपकी प्लस सिक्स में ठीक है ये लिख दी मैंने आपकी प्लस सिक्स में ठीक है सिक्स में है आपका अब ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर ये कन्वर्ट हुआ आपके पास फेरिक आयन यही बने एफ ई प्लस थ्री अब मैंने आपको कहा था कि आपका सेकंड जो जो आपका फर्स्ट पॉइंट था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स ठीक है यहाँ पे मैंने आपको हाइड्रोजन आयन वाटर लिखा था साथ में आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी होते हैं इनको भी लिखने की जरूरत नहीं है दे आर आल्सो अमिटेड ठीक है इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयन वाटर ये जो भी हैं आपके मीडियम वगैरह इनको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ठीक है तो फेरेट आयन जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू द आयरन थ्री ठीक है आयरन थ्री जो है ये आपका कन्वर्ट होता है आयरन टू के अंदर और फाइनली आयरन टू से बनता है हमारा आयरन ठीक है तो यहाँ पे है आपका आयरन प्लस थ्री में यहाँ पे है भाई प्लस टू में और इधर है आपका जीरो में ठीक है तो अब हम लिखते हैं हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सभी के लिए तो फेरेट से आयरन थ्री दिस इज टू पॉइंट टू ज़ीरो वोल्ट ठीक है आयरन थ्री से आयरन टू दिस इज ज़ीरो पॉइंट सेवन सेवन ठीक है अब लास्ट है आपका आयरन टू से आयरन दिस इज माइनस जीरो पॉइंट फोर सेवन वोल्ट ठीक है ये आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं ठीक है इसके अलावा हमने एक और लिखा है आयरन थ्री से आयरन आयरन थ्री से भी लिखा हुआ है हमने ये वाला डायरेक्ट इनटू टू द आयरन ये वैल्यू है हमारी माइनस ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव सेवन वोल्ट ठीक है ये है हमारी वैल्यू तो ये जो हमारा डायग्राम है दिस इज़ कॉल्ड एज योर योर लेटिमा डायग्राम ठीक है लेटिमा डायग्राम के अंदर हम जो आपके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनको हम डिसेंडिंग uh, ऑर्डर में लिख रहे हैं ठीक है लेफ्ट से लिखे राइट right तक और जो नंबर है बिटवीन ईच पेयर ऑफ स्पीसीज ठीक है जो नंबर्स इन दोनों दोनों स्पीसीज के बीच में जो नंबर हैं आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो उस चेंज के लिए दे रहा है हमारे पास ठीक है तो लेटिमा डायग्राम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज ही इन्वॉल्व करेंगे देर इज़ नो नीड टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉन चेंज हाइड्रोजन आयन वाटर या फिर आपका हाइड्रोक्साइड आयन इन को लिखने की हमारे पास ज़रूरत नहीं है ठीक है लेकिन अब आप सभी को इन सभी का वन बाय वन पता होना चाहिए कि जब फेरेट से आयरन थ्री कन्वर्ट होता है तो इसके लिए हमारे पास नेट रिएक्शन क्या रहेगी ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल जो है हमारे पास इतना रहेगा ठीक है तो ये हमारा लैटाम डायग्राम है जिसके अंदर हम रिडॉक्स बिहेवियर जो होता है स्पीसीज़ का वो स्टडी करते हैं ठीक है इन डिफरेंट थ्रू डिफरेंट हाफ रिएक्शंस ठीक है तो पहली चीज़ तो देखो फेरेट uh, जो है इसके लिए जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ टू पॉइंट टू वोल्ट ठीक है पॉजिटिव वैल्यू है हाई तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ अगर मैं कंपेयर करूँ एफ वी प्लस थ्री आयन और फेरेट आयन को ठीक है तो हमारे पास इन दोनों अगर आयन को कंपेयर किया जाए हम लोग देखेंगे कि जितना पॉजिटिव हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल होगा ठीक है जितना पॉजिटिव हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल होगा ठीक है इट मीन्स उसकी टेंडेंसी जो है रिड्यूस होने की ज्यादा है ठीक है जितना हमारा कम जो हमारा पोटेंशियल होता है उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और जितना हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो स्पीसीज जो है आपके पास रिड्यूस होती है ठीक है तो दैट मीन्स जिसकी रिडक्शन होती है हमारे पास इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा ठीक है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसकी हमेशा रिडक्शन ही होगी और वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास कम होता है उसकी हमेशा हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है और वो हमेशा ही रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है एग्जाम्पल के तौर पर आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपके पास नेगेटिव में होता है बहुत कम होता है ठीक है और इसी वजह से वो आपके पास उनकी टेंडेंसी जो होती है टू गेट ऑक्सीडाइज्ड वो बहुत ज़्यादा होती है एंड ऑल ऑफ दैम जो है दे विल बिहेव एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो यहाँ पर जो आपका फैरिट है ठीक है इसके लिए बहुत हाई आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है तो दैट मीन्स आपका ये जो आयन है इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इट विल बिहेव एज अ स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट

रिएक्शन लिखी है आयरन थ्री से कन्वर्जन इन टू द आयरन ठीक है जिसके रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास है माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेवन वोल्ट और आयरन थ्री से आयरन टू और आयरन टू से जो आयरन का हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है ठीक है दैट इज़ वन इज़ ज़ीरो पॉइंट सेवन सेवन अदर इज माइनस जीरो पॉइंट फोर सेवन वोल्ट ठीक है अगर मैं ऐड करता हूँ आयरन थ्री से आयरन अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ ठीक है तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा ये प्लस में है ये माइनस में है तो अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ जीरो पॉइंट 30 वोल्ट ठीक है लेकिन आयरन थ्री से आयरन यहाँ पे तो अलग है और अगर डायरेक्ट ऐड करें आयरन थ्री से आयरन तो हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है ठीक है तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है ठीक है आल दो पोटेंशियल मे बी एडिड कंप्लीट रिएक्शन के लिए आप पोटेंशियल ऐड कर सकते हैं ठीक है क्योंकि वहां पे अब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो पीछे नहीं रहेगा ठीक है देर इज नो इलेक्ट्रॉन जो है वो इट विल लेफ्ट ओवर इन दिस प्रोसेस वहां पे आपके सारे इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे देखिए लेकि, लेकिन ठीक है लेकिन जो पोटेंशियल होगा आपके पास वो ऐड नहीं होगा ठीक है तो इस बात का आपने ध्यान में रखना है ऑल दो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके वो ऐड हो जाएंगे ध्यान रखना है आपके जो पोटेंशियल होंगे आपके पास अगर कंप्लीट रिएक्शन है ठीक है अगर आपके कंप्लीट रिएक्शन हो चुकी है वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंस हो चुके होंगे ठीक है वहां पे आप उनको ऐड कर सकते हैं लेकिन अगर हाफ रिएक्शन है हमारे पास तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं हुए होते हैं ठीक है तो इसके लिए हम जो है आपके पास इन पोटेंशियल्स को ऐड नहीं करेंगे इन दैट केस हम क्या करेंगे आपके पास कंसेप्ट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी का यूज़ करेंगे ताकि हम जो भी आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो हमारा चेंज हुआ ही है उसको स्टडी कर सके ठीक है, है तो हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का तो हमारे पास जो रिलेशन होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रो पोटेंशियल का दैट इज गिवन बाई दिस रिलेशन एट इज डेल्टा जी नॉट इज गल टू माइनस एन एफ ई नॉट वेयर एफ जो होता है आपका फ्राइडे कॉन्सटेंट एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज और ई नॉट जो होता है हमारे पास दिस इज स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल तो आप सभी को पताइए कोई भी रिएक्शन फिजिबल तभी होगी अगर हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो लेस देन जीरो हो ठीक है अगर गिफ्ट फ्री एनर्जी हमारी लेस दैन ज़ीरो होगी तभी रिएक्शन आपके पास पॉसिबल होगी हो ठीक हो, है तो अगर आप इस रिएक्शन में ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास गिव फ्री एनर्जी नेगेटिव कब होगी जब आपका स्टैंडर्ड ई क्या होगा ये पॉजिटिव होगा ठीक है तो आपकी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी जब उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है पॉजिटिव होगा अगर ई पॉजिटिव है दैट मीन्स स्टैंडर्ड एडक्शन पोटेंशियल हमारा नेगेटिव आएगा अगर ई नेगेटिव हो गया दैट मीन्स गिवस एनर्जी चेंज जो है हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है मतलब आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है ठीक है तो लेट कैलकुलेट कि जब हम आयरन थ्री से आयरन टू गए और आयरन टू से आयरन गए तो हमारे पास गिप्स uh, एनर्जी के अकॉर्डिंगली हम कितना जो हमारा स्टैंडर्ड स्टेंडर पोटेंशियल निकलता है ये निकालते हैं हम तो अगर मैं आयरन थ्री से आयरन में जाऊँ फर्स्टली अगर मैं आयरन थ्री से आयरन टू के अंदर जाऊँ ठीक है तो ई है मेरे पास यहाँ पर दिस इज़ीरो पॉइंट वोल्ट तो अगर मैं गिप फ्री एनर्जी चेंज लिखूँ यहाँ से दैट इज़ माइनस इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हुआ एक ठीक है माइनस वन इंटू एफ़ ऐसा चह नहीं दिया मैंने इसकी वैल्यू भरने की जरूरत नहीं है हमें और ई e नोट है हमारा जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट ठीक है तो ये आ गया मेरे पास माइनस जीरो पॉइंट सेवन सेवन एफ़ ठीक है ये हम कैलकुलेशन करेंगे हम ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चीज़ को आप ध्यान से समझना क्योंकि कल को जब आप नेट वगैरह की प्रपरेशन करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी वहाँ पर इसका यूज़ काफ़ी ज्यादा रहेगा अगर आप ध्यान रखो जब भी आप इलेक्ट्रॉन कैमिट्री वगैरह स्टडी करेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों का आप यूज़ करेंगे आई आई टी जैम्स के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ठीक है अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास आयरन टू से आयरन कन्वर्जन ठीक है आयरन टू दो इलेक्ट्रॉन चेंज होगा इट गेट कन्वर्टेड इनटू टू द आयरन ठीक है आयरन हमारा सॉलिड स्टेट में आ गया स्टैंडर्ड ईएमएफ लिखा था मैंने इसका जीरो पॉइंट फोर सेवन वोल्ट ठीक है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज लिखू मैं माइनस एन कितना है टू एफ और स्टैंडर्ड ई हमारा माइनस जीरो पॉइंट फोर सेवन वोल्ट तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का ज़ीरो पॉइंट नाइन फोर वोल्ट ठीक है और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं दिस इज़ रिएक्शन नंबर वन दिस इज़ रिएक्शन नंबर टू ठीक है इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया ठीक है एडिंग वन एंड टू हमारे पास क्या बन जाएगा ठीक है अगर मैं ऐड करूंगा आयरन टू आयरन टू कट हो जाएंगे ठीक है वी आर गेटिंग आयरन थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन दे आर कन्वर्टेड इन टू द आयरन ठीक है और यहाँ से आप नेट गिप्स एनर्जी देखो कितना निकला तो हमारी जो गिब्स गिप्स फ्री एनर्जी चेंज आएगा दिस इज माइनस जीरो पॉइंट सेवन सेवन एंड दिस इज सॉरी टू राइट एफ ठीक है वोल्ट दिस विल बी सेवेंटी सेवन एंड नाइन्टी फोर दिस विल बी प्लस का ज़ीरो पॉइंट सेवनटीन वोल्ट ठीक है तो so, आपके पास गिफ्ट एनर्जी चेंज आ गया है जीरो पॉइंट सेवेंटीन वोल्ट बाई यूजिंग दिस रिलेशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट यहाँ से हम स्टैंडर्ड ई ई एम एफ निकाल देंगे इस रिएक्शन का दिस इज़ डेल्टा जी नॉट ओवर माइनस एन एफ ठीक है माइनस डेल्टा जी नॉट है हमारा ज़ीरो पॉइंट सेवेंटीन वोल्ट डिवाइडेड बाई एन कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हमारे पास तीन एफ होता है हमारे पास नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कॉलम ठीक है तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास देखना ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेवन वोल्ट ठीक है दैट मीन्स ये जो कन्वर्जन हुई आयरन थ्री से आयरन ठीक है क्योंकि आपके पास पीछे जो हमारी इलेक्शन थी यहाँ पे ये हाफ रिएक्शन है कम्प्लीट रिएक्शन नहीं है ठीक है जब पास iron, तो आपके पास टोटल कंप्लीट रिएक्शन होगी आयरन थ्री से लेके आयरन ठीक है तो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल ये रहा लेकिन हम जा रहे हैं हाफ रिएक्शन में ठीक है तो इसकी वजह से आपके पास जो रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह हम ऐड करके निकालें तो एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन चेंज हो है वो यहाँ पर इक्वल नहीं है ठीक है अब लास्ट में ध्यान रखना है आपने जहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन जहाँ पे हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जो है नेगेटिव है लाइक इन दिस केस आयरन टू टू आयरन और आयरन थ्री से आयरन ठीक है इनके अंदर हमारे पास क्या होगा जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होगी हमारे पास ये आएगी पॉजिटिव क्यों क्योंकि यहाँ पे ई नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल्टा जी जो है प्लस पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स जो हमारे पास इन रिएक्शन के अंदर हमारे पास जब गिप्स एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे बोथ फेरिक आयन है और जो हमारे फेरस आयन है ठीक है मैं कंप्लीट चेंज की बात कर रहा हूँ फेरिक से आयरन और फेरस से आयरन ठीक है तो ये दोनों के दोनों ही हमारे पास इन दोनों के पास टेंडेंसी नहीं है कि वो आयरन को रिड्यूस कर सकेंगे ठीक है तो ये दोनों के दोनों आयन जो है वो आयरन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं ठीक है आ, लेकिन आपने ध्यान रखना है जो फेरेट आयन है आपका ये वाला ठीक है इसके लिए रक्षा पोटेंशियल आपके पास है जीरो पॉइंट टू, टू वोल्ट ठीक है तो गिव्स एनर्जी चेंज यहाँ पर नेगेटिव आएगा जब नेगेटिव आएगा दैट मीन्स ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा ठीक है तो ये आपके पास क्या कर सकता है ये इट कैन बी इजिली रिड्यूस्ड ठीक है खुद रिड्यूस हो सकता है और औरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है ठीक है सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकिन ये क्या कर सकते हैं लेकिन ये क्या करेंगे ये रिड्यूस नहीं हो सकती ये रिड्यूस नहीं कर सकते आयरन को फर्दर ठीक है तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कॉपर में हम जाने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी दैट इज़ अ ठीक है जो हम एक वर्ड बोल रहे थे पहले भी हमने काफ़ी बार यूज़ किया इस चीज़ का डिस्प पोशनेशन ठीक है दैट इज़ मैंने आपको बताया था कि एक ही हमारे एक ही रिएक्शन में हमारे पास जो आपकी स्पीसीज होती है ठीक है उसकी ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी ठीक है तो इसका हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कोई भी स्पीसीज जो है क्या वो डिसपोशनेशन शो करेगी या नहीं करेगी ठीक है तो इसको स्टडी करने के लिए लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल कि जहाँ पे आपके पास किसी स्पीसीज की डिसपोशनेशन हो रही है लेटस टेक लेटस टेक एग्ज़ाम्पल कि आपके पास कोई मेटल आयन है ठीक है Uh, ये आपके पास डिसपोर्शनेट कर रहा है इन द एक्को सोल्यूशन ठीक है दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन भी होगी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है यहाँ प्लस वन चार्ज यहाँ प्लस वन चार्ज है तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट राइज कर जाएगी तो प्लस टू चार्ज आ जाएगा और रिडक्शन भी होगी रिडक्शन में ये डिग्रीज होकर ज़ीरो पे आ जाएगा तो प्लस वन से प्लस टू एंड ज़ीरो में चेंज हो रहा है ठीक है तो अब हमें देखना है कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टीन्यूस है क्या ऐसा होगा या नहीं होगा ठीक है तो इसके लिए हम लेटिमे डायग्राम का यूज़ करेंगे तो पहली चीज़ तो आपको पता ही है ठीक है जो हमारे पास हाइएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जिसका मतलब जो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाली टर्म होगी ठीक है स्पीसीज होगी उसको हम टवाड़ा लेफ़्ट लिखेंगे लेफ्ट में लिखेंगे हम ठीक है तो हमारे पास उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन चेंज होगा तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा ठीक है तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा हमारे पास ठीक है इस स्पीसीज का वो आएगा लेफ्ट साइड में लेफ़्ट में आएगा ना क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्पीसीज है और फिर हमारे पास क्या होगा जो प्लस वन वाला है ठीक है इसकी रिडक्शन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटल सॉलिड के अंदर अब इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कम है ये उसके बाद आएगी तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा हमारे पास टू द राइट ठीक है ऐसे ही होगा ना कुछ हमारे पास जब हम मैटिमा डायग्राम बनाएंगे इसका टू प्लस वाला पहले आएगा उसके बाद जाएंगे हम प्लस वन की ओर उसके बाद जाएंगे हम मेटल की ओर ठीक है तो हमारे पास अगर मैं इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल लूँ इस ओवरऑल रिएक्शन का ठीक है जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आएगा इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए तो हमारे पास क्या आएगा राइट ठीक है जो राइट right का होगा माइनस जो हमारा लेफ्ट का होगा थीके? तो अब हमारी गिब्स फ्री एनर्जी जो है ठीक है ये नेगेटिव कब होगी लेस देन जीरो कब होगी हमारे पास जब यहाँ से हमारा ये नेगेटिव कब होती है जब हमारे पास स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हो ठीक है तो इस रिएक्शन में स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव कब होगा जब हमारा स्टैंडर्ड ईमएफ जो है राइट right साइड का ठीक है वो ज़्यादा होगा किसके कम्पेरिजन में लेफ्ट साइड वाले से ठीक है मतलब राइट right वाला जो है हमारा वो ज़्यादा होना चाहिए लेफ्ट वाले के कंपेरिजन में ठीक है दैट मीन्स कि अगर मैं डायग्राम में जाऊँ ठीक है तो राइट right वाला जो है मेरा यहाँ पे आएगा लेफ्ट वाला मेरा यहाँ पे आएगा ठीक है तो अगर राइट right वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है लेफ्ट वाले से ठीक है तो दैट मीन्स स्पीसीज जो है उसकी टेंडेंसी डिसपोर्शनेट होने की ज्यादा होगी ठीक है तो ये ध्यान में रखना है आपने एल जो है वो लेफ्ट के लिए है आर जो है राइट के लिए है और इतना तो आप सभी को पता ही है कि जो हाईली ऑक्सीडाइज हमारी स्पीसीज होगी ठीक है जो हाईली ऑक्सीडाइज पीसीज़ होगी उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे ठीक है ये हाईली ऑक्सीडाइज पीसीज है इसको हम लेफ्ट में रखेंगे और जो कम ऑक्सीडाइज पीसीज होगी उसको हम राइट right में रखेंगे ठीक है तो राइट माइनस लेफ्ट हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा ये वाला स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो हमारे पास ये पॉजिटिव तभी आएगा अगर हमारा स्टैंडर्ड ईम एफ राइट वाले का ज़्यादा है तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड ई जो है ज़्यादा आता है ठीक है तो हमारे पास अगर स्टैंडर्ड ईफ हमारा ज़्यादा आया दैट मीन्स स्पीसीज जो है उसकी थर्मोडाइनमी टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा रहेगी ठीक है ताकि वो डिसप्रोपोर्शनेट कर जाए अपने नेबर्स के अंदर ठीक है अगर उसका पोटेंशियल जो है जैसे मैंने आपको कहा राइट साइड वाला ज़्यादा होगा लेटिमा डायग्राम में इन कंपैरिजन टू लेफ्ट वाला एग्जांपल के साथ चलेंगे हम बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ कॉपर यहाँ से हमारा लेटिमा डायग्राम जो होगा कॉपर का वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो लेट अस टेक लेटिमा डायग्राम फॉर द कंसिडर द लेटिमा डायग्राम फॉर द कॉपर ठीक है तो कॉपर की अगर मैं बात करूं, ठीक है तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कॉपर के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हमारे पास क्या क्या होती हैं ठीक है थीके? तो पहले तो मैं लिखने जा रहा हूं कॉपर टू की कन्वर्जन इनटू टू द कॉपर ठीक है तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे पास दिस इज जीरो पॉइंट सॉरी कॉपर वन जीरो पॉइंट वन फाइव वोल्ट ठीक है अब कॉपर वन से हमारा कन्वर्ट हुआ कॉपर सॉलिड के अंदर मेटल के अंदर ठीक है यहाँ पे हमारा डक्शन पोटेंशियल है दिस इज ज़ीरो पॉइंट फाइव जीरो वोल्ट ठीक है तो अब क्या करना पड़ेगा अब करना पड़ेगा हमें सब्टैक्ट uh, करना पड़ेगा हमें ठीक है दिस इज वन दिस इज टू ठीक है हम करेंगे सबट्रैक्टिंग uh, करेंगे हम एक दोनों दुन, को हमें करना पड़ेगा वन माइन टू माइनस वन करना पड़ेगा हमें ठीक है वी विल डू टू माइनस वन करेंगे सेकेंड में से तो हमारे पास क्या होगा जो फर्स्ट वाला है वो माइनस में आ जाएगा सारा का सारा कॉपर माइनस में आएगा इसको मैं रियक्टेंट वाली साइड में ले आऊँगा तो हमारे पास यहाँ पे दो कॉपर वन हो जाएंगे ठीक है ये माइनस में है रिएक्टेंट वाली साइड में प्रोडक्ट वाली साइड जाके प्लस में हो जाएगा दिस इज कॉपर टू ठीक है एंड कॉपर और जो हमारा नेट रिडक्शन पोटेंशियल आएगा फिफ्टीन को हम माइनस करेंगे फिफ्टी फिफ्टीन को माइनस करेंगे प्लस जीरो पॉइंट फाइव जीरो वोल्ट में से दिस विल गिव यू जीरो पॉइंट थ्री फाइव वोल्ट ठीक है आ, तो ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल आएगा कॉपर टू एंड कॉपर का ठीक है पॉजिटिव है ठीक है तो मैं अगर लैटीमा डायग्राम बनाऊं कॉपर के लिए ठीक है कॉपर के लिए पहले प्लस टू तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन तो स्टेट यहाँ से कन्वर्ट होगा कॉपर वन के अंदर ठीक है दिस इज़ इन वन ऑक्शन स्टेट और यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर के अंदर ठीक है दिस इज जीरो इज़ीरोक्शन स्टेट तो ये है ज़ीरो पॉइंट वन फाइव वोल्ट और ये आया मेरा ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो वोल्ट ठीक है और ये जो कन्वर्जन आई इसके लिए निकाला हमने ज़ीरो पॉइंट थ्री फाइव वोल्ट तो अगर आप ध्यान से देखो राइट right साइड में सॉरी राइट साइड में आया हमारे पास ये वाला ठीक है लेफ्ट साइड में है ये वाला ठीक है तो कॉपर टू से कॉपर वन जब कन्वर्जन हुई ठीक है हमारे पास जो पोटेंशियल है वो बहुत कम है हैंस तो जो, जो एनर्जी रिलीज होगी ठीक है वो बहुत ही कम होगी ठीक है तो कॉपर टू जो है हमारे पास वो इतना स्ट्रॉग ऑक्सोडाइजिंग एजेंट नहीं होगा ठीक है कॉपर टू जो है हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा लेकिन ये स्टेबल है ठीक है लेकिन जब हम लेफ़्ट से हम राइट right की ओर जाएंगे जब हम लेफ्ट से हम राइट right की ओर जाएंगे ठीक है जो पोटेंशियल है हमारा ठीक है ये पॉजिटिव होता जा रहा है कॉपर टू से कॉपर वन एंड कॉपर आगे जाके पॉजिटिव हो गया ठीक है और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया दैट मीन्स जो स्पीसीज है कॉपर वन ये वाली ठीक है ये जो हमारी स्पीसीज है ठीक है ये जो हमारी मिडल में है ये अनस्टेबल है ठीक है क्योंकि पोटेंशियल हमारा और पॉजिटिव होता जा रहा है ठीक है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगी ठीक है हैंस मैं बोल सकता हूँ कि ये जो स्पीसीज है इट विल बिहेव बोथ हैज़ अ ऑक्सोडाइजिंग और एज वेल एज सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग भी है खुद को ऑक्सीडाइज भी कर सकती है कॉपर टू के अंदर और ख़ुद को रिड्यूस भी कर सकती है कॉपर के अंदर ठीक है तो इट विल बी इट इज़ एनर्जेटिकली फेवरेबल ठीक है ये एनर्जेटिकली फेवरेबल भी है क्योंकि हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल तो मैंने निकाला ही है पॉजिटिव आ रहा है ठीक है तो कॉपर वन जो है वो डिस्पोशनेट कर जाएगा इनटू द कॉपर टू एंड कॉपर तो ध्यान में रखना है जब भी हमारा राइट वाला पोटेंशियल जो है ठीक है अगर ये ज़्यादा होता है ठीक है लेफ्ट वाले से तब वो स्पीसीज जो है आपके पास वो डिसपोशनेशन रिएक्शन जो है वो शो कर देती है कॉपर वन जो है ये आपका ओनली सॉलिड स्टेट में ही अवेलेबल होगा सॉल्यूशन में आपके पास ये डिसपोशनेट कर जाएगा ठीक है दिस इज नॉट प्लस माइनस दिस इज प्लस में है ये आपकी जीरो पॉइंट पैंतीस वोल्ट ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव है तो अब लास्ट में बात करते हैं हमारा लैटीमर डायग्राम फोर दी मैंगनीज लेटिमर डायग्राम हमारे पास तो अब लास्ट है दैट इज योर मैंगानीज तो अब आप सभी को पता है मैंगनीज तो डिफरेंट ऑफिजन स्टेट में एग्जिस्ट करता है ठीक है इट आल्सो एग्जिस्ट इन प्लस सेवन प्लस सिक्स प्लस फोर में होता है प्लस थ्री में भी है प्लस टू में भी है इवन जीरो तो पहला तो है आपके पास मैं अब सभी के लिए हाफ रिएक्शन नहीं लिखूंगा वन बाई वन मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ पहला तो है हमारा पर मैंगा ठीक है एम एन ओ फोर नेगेटिव ठीक है अब आप सभी को पता ही है एम एन ओ फोर नेगेटिव पर मैंगानीट इसमें मैंगानीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास सिक्स सॉरी सेवन ठीक है दिस इज नॉट सिक्स मैंगनेट में आपके पास प्लस सिक्स होती है और पर मैंगनेट जब भी होता है हमारे पास वो प्लस सेवन में होता है ठीक है दिस इज प्लस सेवन ठीक है अब मैंगानेट के बाद आता है हमारे पास पर मैंगनेट के बाद आता है हमारे पास मैंगनेट मैंगनेट होता है हमारे पास एम एन ओ फोर टू नेगेटिव ठीक है इसमें है ये हमारे पास सिक्स में ठीक है दिस इज इन सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ये ध्यान रखना वन इज मैंगनेट, दिस इज मैंगनेट ठीक है एंड दिस वन इज योर पर मैंगनेट तो मैंगनेट से जब पर मैंगनेट से जब ये मैंगनेट में कन्वर्ट होता है ठीक है जब ये पर मैंगनेट से मैंगनेट में कन्वर्ट होगा तो हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल चेंज होता है दिस इज जीरो पॉइंट फाइव सिक्स वोल्ट ठीक है अब जो पर मैंगनेट हमारा है ठीक है जब ये पर मैंगानेट से कन्वर्ट जब हमारा मैंगनेट जो है ये कन्वर्ट होगा इन टू दी थी एम एन ओ टू ठीक है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल चेंज जो है दिस इज़ इवन मच लार्जर टू पॉइंट टू सिक्स वोल्ट तो इसका मतलब क्या हुआ ये जो आपका मैंगनेट आयन है ठीक है इसका रिडक्शन पोटेंशियल राइट वाला लेफ्ट वाले से ज़्यादा है ठीक है तो, तो दैट मीन्स ये डिसपोशनेट करने की टेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है ठीक है ये कन्वर्ट हो जाएगा ये सेल्फ ऑक्साइज भी हो जाएगा प्लस सिक्स से प्लस सेवन में और सेल्फ रिड्यूस भी हो जाएगा प्लस सिक्स से प्लस फोर में ठीक है यहाँ पे है ये हमारा फोर में ठीक है ये ध्यान रखना यहाँ पे है ये हमारे पास फोर में तो मैंगनीज ऑक्साइड फोर्स के बाद कन्वर्ट होता है ये इन टू मैंगनीज प्लस थ्री के अंदर ठीक है प्लस थ्री के बाद ये कन्वर्ट होता है आपका प्लस टू के अंदर और लास्ट में हमारी कन्वर्जन होती है मैंगनीस ठीक है इन ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है तो जो रिडक्शन पोटेंशियल चेंज होते हैं हमारे मैंगनीस प्लस फोर से प्लस थ्री के अंदर दिस इज़ ज़ीरो पॉइंट नाइन फाइव वोल्ट ठीक है लेफ्ट वाला जो है हमारा ज़्यादा है राइट वाला कम है तो नो प्रॉब्लम हेयर ठीक है अब ज़ीरो पॉइंट नाइन फाइव के बाद जो है हमारा प्लस थ्री से जब प्लस टू जाते हैं इट इज़ अगेन वन पॉइंट फाइव वन वोल्ट दैट मीन्स अगेन बढ़ गया अब राइट वाला फिर से ज़्यादा है लेफ्ट वाले से ठीक है दैट मीन्स अब इसकी टेंडेंसी मैंगनीज प्लस थ्री की ठीक है ये मैंने मार्क कर दिए दो दिस इज मैंगनेट और दिस इज मैंगनीज प्लस थ्री इन दोनों की जो टेंडेंसी है डिसअपोशनेट करने की वो बहुत ज़्यादा है ठीक है अब लास्ट में मैंगनीज में टू से मैंगनीज जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है हमारा माइनस में ठीक है दिस इज माइनस 1.19 वोल्ट ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल है हमारा माइनस में तो ये है हमारा लेटिमर डायग्राम होता मैंगनीज ठीक है तब आप सभी को पता ही बताइए एसिडिक मीडियम में पर मैंगानी डायरेक्टली कन्वर्ट होता है हमारे पास इनटू टू मैंगनीज टू ठीक है और इसके लिए जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है दिस इज 1.51 वोल्ट ठीक है और हमारे पास इसके अलावा मैंगन पर जो हमारा पर मैंगनेट आयन होता है ये आल्सो कन्वर्ट होता है इनटू द मैंगनीज ऑक्साइड ठीक है इसकी कन्वर्जन यहाँ पे भी होती है इन द न्यूट्रल मीडियम यहाँ पे हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा दिस इज वन पॉइंट सिक्स नाइन वोल्ट ठीक है ये है आपका वन पॉइंट सिक्स नाइन वोल्ट अब इसके बाद हमारा जो मैंगनीज ऑक्साइड होता है ठीक है इट आल्सो गेट कन्वर्टेड इन टू मैंगनीज टू Dakile, है। हो गया ठीक है मैंगानी टू में कन्वर्ट होता है ये और इसका जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है दिस इज वन पॉइंट टू थ्री वोल्ट ठीक है तो ये कुछ एक हमारी कन्वर्जन है ठीक है तो ये आपके सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल जो भी हमने लिखे थे तो दिस इज द अटिमा डायग्राम फॉर द मैंगानीज तो आप वन बाई वन इन सभी हाफ रिएक्शन को तो लिख सकते हैं पर मैंगनेट की कन्वर्जन इंटू दी मैंगेट फिर मैंगेट की इंटू मैंगनीज ऑक्साइड मैंगानीज ऑक्साइड की इंटूम प्लस थ्री देन यहाँ से मैंगनीस आए देन लास्ट में आपका मैंगनीस ठीक है तो आप वन बाई वन इन सब की कन्वर्जन भी लिख सकते हैं इन सब के जो भी हमारे स्टैंडर्ड रक्शन पोटेंशियल है आप उन सभी को लिख सकते हैं यहाँ पे अब लास्ट में जो हमारे एलैटीमे डायग्राम्स ये जो होते हैं जो रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम्स हैं हमारे इनका जो यूज़ है हम वो प्रोडक्ट प्रोडिक्ट करने में भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन में जब एक ही एलिमेंट जो है वो सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा तो उनमें से हमारे प्रोडक्ट जो है कि कौन कौन से बन के आएंगे तो इसका एग्जाम्पल लेके चलते हम लेटस कंसिडर कि हमारे पास रिएक्शन हो रही है ठीक है बिटवीन पोटाशियम पर मैंगनेट और ये रिएक्ट कर रहा है विद द पोटाशियम आयोडाइड ठीक है हमारी रिएक्शन दोनों के बीच में होने जा रही है ठीक है तो रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम तो मैंने आपके पास लिख दिया मैंगनेट में हमारे पास ये सारी की सारी स्पीसीज है ठीक है अब लास्ट में बचा हमारे पास आयोड, जो आयोडीन वाला है ठीक है यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी स्पीसीज़ बन के आएगी तो इसके लिए हमें लेटिमो डायग्राम लिखना पड़ेगा तो अगर मैं प्राशियम हाइड्रेड वाले में जाऊँ दूसरा तो चलिए हमारे पास बनता है पर आयोडेट ठीक है आईओ फोर नेगेटिव ठीक है इसमें आपकी आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दिस इज प्लस सेवन ठीक है यहाँ पे आपका आयोडेट में आप पर दिस इज पर आयोडेट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेवन रहेगी ठीक है ये कन्वर्ट होगा इन टू आयोडेट ये पर आयोडेट दिस इज आयोडेट और यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है फाइव और इस कन्वर्जन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है वन पॉइंट सिक्स फाइव वोल्ट ठीक है ये कन्वर्ट होगा हमारे पास हाइपो आइडस एसिड में एच ओ आई दिस इज़ हाइपो आयोडस एसिड यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल चेंज हो रहा है वन पॉइंट थ्री फोर वोल्ट ठीक है कम ही हुआ दैट मीन्स ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ऊपर डिस्पोपोशनेशन हो रही थी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अब ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इंटू द आयोडीन और लास्ट में ये आयोडीन कन्वर्ट हो जाएगा इंटू द आयन तो यहाँ ऑपरेशन स्टेट नेगेटिव वन यहाँ पे है जीरो और यहाँ पे आ गई हमारे पास एच ओ आई दिस इज थ्री ठीक है दिस इज नॉट हाइड्रोक्साइड इसको हाइड्रोक्साइड नहीं पढ़ना है दिस इज हाइपो आयोडेसिस नेगेटिव ठीक है तो यहाँ पे इसकी ऑपरेशन स्टेट थ्री आ गई ठीक है बिसाइड दैट जो आयोडेट आयन होते हैं हमारे दे आल्सो गेट कन्वर्टेड ठीक है ये कन्वर्ट करते हैं इनटू द आयोडीन इस रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल आएगा हमारे पास 1.19 वोल्ट ठीक है और जो हाइपो आयोडस एसिड होता है चलो यहाँ से कर देते हैं दिस गेट दिस विल गेट कन्वर्टेड इंटू दाइनस वन वाले में ठीक है ये आपस में कन्वर्ट होंगे एक दूसरे के अंदर और यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है दिस इज जीरो पॉइंट नाइन नाइन वोल्ट ठीक है आयोडाइड कन्वर्ट होते हैं आयोडीन में और हाइपो आयोडस जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू द ठीक है अब लास्ट में है हमारे पास फन आ, दिस इज एच फाइव आई ओ सिक्स ठीक है ये हमारे पास कन्वर्ट होता है इन टू आयोडेट ठीक है और इसके रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे पास आ, वन पॉइंट सिक्स जीरो वोल्ट ठीक है तो अब अगर हम मान के चलें कि हमारी रिएक्शंस जो हैं वो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड हैं ठीक है कि इक्विलिब्रियम जो है हमारा थोड़ा क्विकली आ रहा है जल्दी आ रहा है रिएक्शंस में तब हमारे पास अगर मैं इस पूरे लेटेमे के डायग्राम को कंसीडर करूं ठीक है इस पूरे लेटरमा डायग्राम को कंसीडर करूं अगर हमारा इक्वलीवरियम जो है वो जल्दी आ रहा है रिएक्शन थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड है तब हमारे पास जो हमारा मैंगनेट आयन होगा मैंगनीज थ्री होगा हमारे पास और साथ में हमारा सॉरी आई फॉरकट टू राइट डाउन ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होंगे हमारे इन रिएक्शन के लिए दिस इज़ वन पॉइंट वन फोर फोर वोल्ट और लास्ट वाले में होता है जीरो पॉइंट फाइव फोर वोल्ट ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखो Uh, हमारा जो मैंगनेट आयन है मैंगनीज थ्री आयन है और जो हमारा साथ में आया आपका हाइपो आयोडस आयन तो ये तो कर रहे हैं आपके पास डिसपोशनेट ठीक है दैट मीन्स रिएक्शन हमारे पास जो है वो क्विकली आ रही है ठीक है रिएक्शन जो है आपकी uh, मतलब uh, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो जल्दी आ रहा है तो दैट मीन्स कब इनके बारे में हमें पता नहीं लगेगा ठीक है तो ये स्पीसीज तो हुई इसके अकॉर्डिंगली अनस्टेबल क्योंकि ये डिसपोशनेशन देंगी ठीक है तो हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे और हमारी जो हाफ रिएक्शन है ये वाली मैंगनीज टू से मैंगनीज ठीक है यहाँ पे भाई रिडक्शन पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड ईमएफ आएगा पॉजिटिव आएगा और आपको पता है ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है उसके अकॉर्डिंगली ठीक है तो ये रिएक्शन भी आपके पास नहीं होगी तो अब हमारे पास अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो वट वी आर लेफ्ट विद वी आर लेफ्ट विद वन इज पर मैंगानेट आए ठीक है प्लस सेवन एक ये रह गया मैंगनेट खत्म हो गया हमारे पास आ, मैंगनेट आयन जो है हमारा वो ख़त्म हो गया मैंगनीज ऑक्साइड एस एच रह गया हमारे पास एम एन ओ टू आ, दिस इज इन प्लस फोर ठीक है इसके बाद है हमारा इसके लिए था हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारा दिस इज मैंगनीज टू में एम एन प्लस टू वाला ठीक है और माइनस वन वाला तो हमने जो भी है लास्ट वाला एक वो बचेगा हमारा आयोडाइड का तो आयोडाइड वाले में बचा हमारे पास आई ओ फोर नेगेटिव ठीक है रिडक्शन uh, पोटेंशियल हम बाद में लिखते हैं uh, इसकी प्लस फाइव तो है नहीं कोई भी बट यहाँ पे फाइव जो है वो इसकी होगी आयोडाइड वाले की सो दिस इज़ आयोडाइड ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने साथ में लेके चलना है सारी की सारी और उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ज़ीरो uh, में तो इसकी रहेगी नहीं लेकिन ज़ीरो में हमारे पास जो है वो आयोडीन आएगी ठीक है वी आर आयोडीन इन ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है सॉलिड स्टेट में हमारे पास uh, और नेगेटिव वन भी है हमारे पास एक सॉरी ज़ीरो हमारी यहाँ आएगी आपकी दिस इज ज़ीरो ठीक है सेवन फाइव फोर टू ज़ीरो लास्ट में थी हमारी माइनस वन ठीक है तो ज़ीरो में तो हमारा मैंगनीज कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि uh, जो गिप्स एनर्जी चेंज है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी लेकिन आयोडाइड वाले में हमारे पास आयोडीन बन रही है ठीक है ये है जीरो में और यहाँ पे हमारे पास आयोडाइड आयन भी बन के आ रहा है ठीक है और लास्ट में हमारा जो ये था एस एच एच फाइव आई यू सिक्स ठीक है अब रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं इसके लिए आ रहा था हमारे पास वन पॉइंट सिक्स वोल्ट ठीक है और आयोडा पर आयोडाइड से हमारे पास आयोडाइड के लिए था हमारे पास वन पॉइंट सिक्स फाइव वोल्ट इज़ वन पॉइंट सिक्स फाइव वोल्ट तो जब हम पर मैंगनेट से हम गए मैंगनीज ऑक्साइड में तो ये तो डिस्पोशनेट कर जा रहा है तो माइनस हो जाएंगे हमारे पास ये बच जाएगा हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव सिक्स से जाएंगे हम टू पॉइंट टू सिक्स वन पॉइंट सेवन ठीक है दिस विल बी वन पॉइंट सेवन ठीक है ये आएगा हमारे पास वन पॉइंट सेवन वोल्ट ठीक है सिमिलरली मैंगनीज थ्री भी हमारा डिस्पोशनेट कर रहा था ठीक है वहाँ पे भी जब हम कैलकुलेट करेंगे मैगनीस ऑक्साइड से जब हम एम एन प्लस टू में जाएंगे दिस विल बी समवेयर अराउंड वन पॉइंट टू थ्री ठीक है ये हमारा इतना आएगा वहाँ पे ठीक है और आयोडीन से जब हम आयोडाइड आइन की ओर जाएंगे तो ये था हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव फोर वोल्ट ठीक है ये हमारा जीरो पॉइंट फाइव फोर वोल्ट है ठीक है आई थिंक सारे हो गए हाँ ये रह गया लास्ट में इसके लिए हमारे पास जो आएगा दिस इज़ आयोडाइड uh, से हमारे आ रहा है ये कैलकुलेट जब हम करेंगे दिस इज वन पॉइंट वन नाइन वोल्ट ठीक है तो ये हमारे स्टैंडर्ड स्टेंडर्ड पोटेंशियल है इस रिएक्शंस के लिए ठीक है तो अगर तो हम रिएक्शन कर रहे हैं आयोडाइड और पर मैंगनेट के बीच में ठीक है जब हम आयोडाइड एक्सेस में डालते हैं ठीक है जो रिएक्शन हम करेंगे आयोडाइड और पर मैंगनेट के बीच में अगर हम आयोडी जो आयोडाइड है वो एक्सेस में डाल रहे हैं हम ठीक है तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्शन के इट मस्ट बी स्टेबल आयोडाइड की प्रेजेंस में ठीक है हमारे प्रोडक्ट जो है स्टेबल रहेंगे और इन कंडीशंस के अंदर हमारे पास जो एम होता है ठीक है वो, वो नहीं बनेगा क्योंकि वो क्या करेगा बिकॉज इट वुड ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन ठीक है वो आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज़ कर देगा सिमिलरली आयोडाइड जो होंगे हमारे वो भी नहीं बनेंगे क्योंकि हमारे पास ये भी आयोडाइड को आयोडीन में अगर जो भी एक्सेस होगी उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे हैंस जो हमारी रिएक्शन होगी इट विल टेक प्लेस ओनली जो हमारी रिएक्शन बच जाएगी दिस विल बी पर मैंगनेट ठीक है ये हमने ऑलरेडी लिखी भी है रिएक्शन ये वाली पहले ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन ठीक है तो नेट जो हमारे पास निकलते हैं दैट इज टेन अलॉन्ग विद्सटीन हाइड्रोजन आयन ठीक है ये हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं रिएक्शन uh, ये फाइनल रिएक्शन हमने लेटिमर डायग्राम के थ्रू अब जो बनती है ठीक है उसको लिख रहे हैं हम दैट इज पर मैंगनेट जो है वो आयोडाइड को ऑक्सोडाइज कर देगा आयोडीन के अंदर ये जो हमने रिएक्शन लिखी थी वो वाली ठीक है बिहेवियर ऑफ पोटाशियम पर मैंगानेट एज एन ऑक्सोडाइजिंग एजेंट जहाँ पे ये औरों को ऑक्सोडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाएगा तो ये आयोडाइड को ऑक्सोडाइज कर देगा इन टू द आयोडीन ठीक है ये वो वाली रिएक्शन है तो दिस इज हमारे पास टू नेट रिएक्शन है यहाँ से ये तब हुई जब हमारा जो आयोडाइड है हमने इसको एक्सेस में डाला हुआ है ठीक है लेकिन अगर हम पोटाशियम पर मैंगनेट को एक्सेस में डालते हैं ठीक है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो आ, स्टेबल रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम पर मैंगानीट ठीक है तो उसमें आपके पास मैंगनीज प्लस टू जो है अब ये नहीं बनेगा ठीक है क्योंकि जो के होगा इट वुड ऑक्सीडाइज़ टू मैंगनीज ऑक्साइड जो हमारा के फोर है वो ऑक्सीडाइज़ करके मैंगनीज ऑक्साइड बना देगा सिमिलरली आयोडीन भी नहीं बनेगी क्योंकि पोटाशियम पर मैंगनेट जो है वो वो इसको ऑक्सीडाइज़ कर देगा ठीक है तो हमारे जो हाफ सेल रिएक्शन रहेंगी वो हमारे पास पर आयोडेट से आयोडेट के लिए रहेगी ठीक है और हमारे पास ये वाली नेट रिएक्शन आएगी एक ठीक है तो ये थिंग्स है कुछ एक जहां पे हमारे पास पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो होंगी वो थोड़ा कॉम्प्लीकेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे पास ये वाला तो फिलहाल के लिए आपको इतना कुछ नहीं करना है यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द लेटिमा डायग्राम ठीक है आपको सिर्फ ये डायग्राम करना है लेटिमा डायग्राम ऑफ मैंगनीज ठीक है ये चीज अलॉन्ग विद मैंने कॉपर का बताया आपको ठीक है दीज डायग्राम्स आपको पता होना चाहिए लेटिमा डायग्राम होते क्या हैं ठीक है uh, अगर आपके आपसे इनके रिगार्डिंग पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको लैटिमा डायग्राम के बारे में बताना है कैसे कैसे लिखते हैं हम और ये डायग्राम आपको बना के देने हैं ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर हम यहीं तक ही रहते हैं ठीक है ज़्यादा डिटेल में हम इसके बारे में नहीं जाएंगे आगे फर्दर कि आपके पास किस तरह से आपकी जब आयोड आयोडीन की एक्सेस रखी हमने आयोडाइड की एक्सेस रखी हमने रिएक्शन में तो हमें इस रिएक्शन को लेकर ज़्यादा नहीं चलना है आपको सिर्फ लैटिमर डायग्राम तक ही करना है यहाँ तक सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक थैंक यू वेरी मच विद दिस हमारे पास ये जो पूरा चैप्टर है आपका दैट इज केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है थ्री सीरीज़ ये आपके पास यहीं पर ख़त्म होता है थैंक यू वेरी मच